हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे पाएं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं कि भाई मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, सरकारी कॉलेज में मैं जाऊं, तो कैसे जाएं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पर नया आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। और उसके अलावा अगर आपको करियर में दिक्कत है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, करियर को किस तरह से आगे लेके जाएं, तो हम लोगों ने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट किया है, जिन लोगों को चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे पाएँ। देखो, सबसे पहले बात है कि आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले भाई माइंड सेट कर लेना है कि सिलेबस ज़रूर देखो कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सिलेबस देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो आपने टेंथ में पढ़ा है 80% तो मिलता जुलता रहेगा, 20% भी बाहर का है। तो सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, सब पढ़ते जाते हैं, सिलेबस देखते ही नहीं है। कोई भी बुक आप किसी भी राइटर की ले लो, ज़रूरी नहीं जो आपको अच्छा लगे। किसी राइटर को मैं प्रिफर नहीं करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कोई रेडीमेड ऐसे आ नहीं जाते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि भाई ये मैकेनिज्म है, ये चीज़ें होती हैं, और ये चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। तो जब आप सिलेबस देख लोगे ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा भाई मेरे को फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है। फिजिक्स में ये मुझे आता है, केमिस्ट्री में ये मुझे आता है, और मैथमेटिक्स में ये मुझे आता है। उसके बाद आप प्रिपरेशन करो कि भाई कौन कौन से सेक्शन, 3 घंटे का पेपर है तो कौन कौन से सेक्शन पे मुझे कितना फोकस करना है। सबसे पहले देखो, जब आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देने जाओ तो सबसे पहले आप प्लान कर लो कि भाई सिलेबस कवर अप, उसके बाद फिर अनसॉल्व पेपर, 10 साल का अनसॉल्व पेपर ज़रूर लगाएं पिछले 10 सालों में पॉलिटेक्निक में। और अनसॉल्व पेपर ऐसे नहीं कि भाई लगा रहे हो फिर देख रहे हो, लगा रहे हो फिर देख रहे हो। अनसॉल्व पेपर ऐसे लगाना है कि भाई 3 घंटे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या देखो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 अनसॉल्व आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 3 अनसॉल्व सॉल्व करोगे तो 3 घंटा बैठना पड़ेगा, 3 घंटे में बैठो, उसके बाद फिर अपनी कॉपी चेक करो कि भाई हमारा कितना सही हुआ, कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। और माइनस मार्किंग भी रखो कि भाई निगेटिव मार्किंग कितना आ रहा है, चीज़ें कितनी हो रही हैं, क्या है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे लिए इतनी बेटर है। उसके बाद फिर जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो अटेम करने का जो तरीका है, आप ये देखो मैं किस में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया है। तो मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैथ को आप थोड़ा लास्ट में कर लो। सबसे पहले आपका मूड सही होना चाहिए एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री कर लो या फिजिक्स कर लो। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिनको देखते ही आप टिक मार्क कर दो कि हाँ ये सही है, सही है, सही है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में पासिंग मार्क आपके हो गए, फिर उसमें टेंशन है। फिर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा आता है, इससे बेहतर कुछ नहीं, इसको मैं रिजल्ट ला दूंगा, इसका मैं आंसर तुरंत ला दूंगा, तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन जो भी हो पहले उसको आप करो। उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा हाँ अब मैं पासिंग मार्क हो गया, अब मेरी रैंक, अब मुझे टॉप रैंक लाने के लिए मेहनत करनी है। तो टॉप रैंक लाने के लिए देखो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सही सही अटेम करना पड़ेगा, गलत नहीं। उसके लिए अनसॉल्व प्रैक्टिस होना जरूरी है, सिलेबस कवरअप होना जरूरी है, मॉक टेस्ट आपको अगर फ्री में कहीं मिल रहा तो वो देना जरूरी है। अपनी प्रिपरेशन ओवरऑल आप अच्छे से रखोगे तो जा करके आप पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज पा जाओगे। सिर्फ सरकारी कॉलेज पाना इज नॉट ए सोल्यूशन, आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाओगे तो चीज़ें वहाँ मुश्किल हालात में होंगी और फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो को पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।